दोस्तों, आपके घर में अंडा कढ़ी जरूर बनती होगी, लेकिन आज हम बताएंगे आपको एकदम अलग तरीके से, एकदम स्पंजी, एकदम टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 6 अंडे, इसको हम फोड़ लेंगे एक बाउल में। सारे अंडे एक साथ फोड़ के रख लेंगे। 6 अंडे में 3 लोग आराम से खा सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। आप देख रहे हैं हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसको हम एक टिफिन में रखेंगे। एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हम टिफिन को रख देंगे, हल्का से खोल के रखेंगे टिफिन, पूरा पैक नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर इसका लीड लगा देंगे। इसको हम 4 सीटी में बॉईल कर लेंगे। आप डरिएगा नहीं, जलेगा नहीं, एकदम स्पंजी होगा। प्रेशर कुकर की सीटी आ चुकी है, आप देख रहे हैं। अब हम इंडक्शन को बंद करके इसको ठंडा होने दें। इस तरह सब्जी बनाएंगे तो आपको अंडा जैसा नहीं लगेगा, एकदम पनीर जैसा लगेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप देख रहे हैं प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, इसके लीड को हम हटा देंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे अंडे हमारे एकदम जम चुके हैं, एकदम साफ हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसको उल्टा करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख रहे हैं कितना स्पंजी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट। इसको हम बर्फ़ी के टुकड़ों में काट लेंगे, जैसे आप पनीर काटते हैं उसी आकार में हम काट लेंगे। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, न ज़्यादा छोटा न ज़्यादा बड़ा। हम देख रहे हैं इसको आप इस तरह भी तल के खा सकते हैं, लेकिन हम इसका सब्जी बनाए हैं, एकदम पनीर जैसा शेप आता है, एकदम स्पंजी बना है। दोस्तों, आप इस तरह ज़रूर एक बार ट्राई करिए। इसको हम एक कढ़ाई में तेल लिए हैं, अब इसको हम तल लेंगे। इसको हम 2-2, 3-3 मिनट के लिए पलट देंगे। बहुत समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में ये फ्राई हो जाता है, आप देख रहे हैं। अब इन सारे अंडे को हम निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम में रखें। एक्स्ट्रा जो तेल बचा है इसी में हम तड़का लगाएंगे। बचे हुए तेल में 1/2 चम्मच हमने जीरा लगाया है, 2 हरी मिर्च। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 सेकंड के लिए। 1 चुटकी हींग डाला है, डाइजेशन के लिए भी सही रहता है। हमने 3 मीडियम साइज प्याज काट लिया है बारीक, इसको हम भून लेंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन ना हो जाए हम भूनते रहेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि कच्चापन ना रह जाए। हम एकदम अलग तरीके से बना रहे हैं, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर, इसको हमने पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने से ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला,
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसको हम मिक्स कर लेंगे, दो मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसको हम लीड से ढक देंगे दो मिनट के लिए। दो मिनट हो चुका है, मसाले हमारे पक चुके हैं, एकदम ड्राई हो चुके हैं। अब देख रहे हैं बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। दोस्तों देखते देखते आप कमेंट भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे स्पंजी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से एग्जर्ब हो जाए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक कटोरी पानी, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। हमने ज़्यादा पानी नहीं यहाँ यूज किया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुका, अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। हरी धनिया की पत्तियाँ हमने धुल के काट के रखे हुए हैं। स्पंजी अंडा कड़ी बन के रेडी हो चुका है। आप एक बार अपने घर पर ज़रूर इस तरीके से बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्पंजी अंडा कड़ी कैसा लगा।